हेलो सेवन्थ क्लास स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल पायनियर इंस्टीट्यूट 171983। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए आए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक डबल बार ग्राफ है। इसमें आपको डबल बार ग्राफ बनाना है जिसमें किसी स्टूडेंट्स के सभी सब्जेक्ट्स में टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स दिए हुए हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपका डाटा गिवन है, सभी सब्जेक्ट्स के टर्म 1 के मार्क्स ये हैं और टर्म 2 के मार्क्स ये हैं। आपको इसका दो डाटा दिए हुए हैं, तो इसमें स्टूडेंट डबल बार ग्राफ बनता है, एक टर्म 1 का एक टर्म 2 का, और एक ही ये ग्राफ में बनाए जाते हैं, इसलिए इसको हम डबल बार ग्राफ कहते हैं, क्योंकि इसमें डबल डाटा होता है। तो देखिए, इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो 95 है, तो हम 10 के टेबल में कर लेंगे इसको। तो हम 10 के स्केल हम चुनेंगे, 1 box = 10 marks। तो जो वर्टिकल लाइन है मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम इस पे एक एक बॉक्स पर 10, 20, 30, 40, 10 के टेबल लिख लेंगे, और नीचे दो दो एक बॉक्स छोड़ के दो दो बॉक्स पर हम सब्जेक्ट का नेम लिख लेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। तो इस तरह से हम पहला ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए, हमने 1 centimeter को 10 माना है, तो 6.7 की ये लाइन हो जाएगी अगर आप नॉर्मल कॉपी पे इसको बनाएंगे। अगर ग्राफ पर बनाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक 1 centimeter का एक बॉक्स होता है, तो 6.7 के लिए 6.7 की लाइन, यहाँ पर ग्राफ पर देखेंगे आप तो 6 के कंप्लीट बॉक्स जाएंगे और 7 छोटे बॉक्स, तो ये आपका आएगा 1 का। तो आप इसमें कैपिटल लिख सकते हैं T1, ये 1 का है, और 2 में 70 मार्क्स, तो इसी लाइन को 70 तक आप पूरा कर देंगे, और इस तरह से ये 2। तो ये 1 2 जॉइंट होके डबल बार ग्राफ आपका बन गया। नेक्स्ट हिंदी में देखेंगे, एक बॉक्स को छोड़ के आप 72, तो 72 में 7.2, 7 बॉक्स, दो छोटे बॉक्स आपके इसमें काउंट किए जाएंगे, या 7.2 सेंटीमीटर की लाइन। इस तरह से दूसरा है 65, इसमें इसका परफॉर्मेंस डाउन हो चुका है, ये 1 और 2 के मार्क्स हो गए। फिर मैथ्स में है 88, 8 से ऊपर 0.8, ये हो जाएगा आपका 1। उसके बाद 95, इसमें परफॉर्मेंस बढ़ गई है, ये हो जाएगा 1 और ये 2। वैसे ही साइंस में 81, एट से थोड़ा सा नीचे रहेगा, एक पॉइंट ऊपर रहेगा, ये होगा आपका 1, और 2 में भी 4 मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं उसके 85 तक। इसमें लाइन होती है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आप ग्राफ में इसको जब बनाए थे 8.5 की लाइन बनाई है, 8 बॉक्स कंप्लीट और 5 बॉक्स छोटे ले। सोशल में 73 तक, 73 ऊपर 1 का, और 75 के लिए इसमें 2 मार्क्स इंक्रीज हो गए 2। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ आपका जो डाटा ग्राफ है, यह है डबल बार ग्राफ, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, सबसे ज्यादा मार्क्स उसके कौन से सब्जेक्ट में इंक्रीज हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हुए हैं वो हुए हैं मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स में उसके 7 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं और बाकी सब्जेक्ट में इतने मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए, तो सबसे मोस्ट परफॉर्मेंस उसकी मैथ्स में है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा उसका मैथ्स। तो सेकंड है उसका, इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लीस्ट, सबसे कम जो इंप्रूवमेंट है वो उसकी किस सब्जेक्ट में है। देखिए, यहाँ पर 3 मार्क्स की इंप्रूवमेंट है, यहाँ पर 4 मार्क्स की है, और यहाँ पर 2 मार्क्स की, तो सोशल साइंस में सबसे लीस्ट परफॉर्मेंस है उसकी, सबसे कम इंप्रूवमेंट हुआ है, और किस सब्जेक्ट में उसका
जो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ बल्कि कम हुए हैं मार्क्स, तो वो है स्टूडेंट हिंदी। तो हिंदी में उसके परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हुई बल्कि बैक डाउन, नीचे चली गई है। तो इस तरह से ये स्टूडेंट आपके क्वेश्चन के आंसर भी हो चुके हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, समझ में क्वेश्चन आया या नहीं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम इस चैनल के माध्यम से लाते हैं 6th to 10th क्लास के NCERT के मैथ के सॉल्यूशन, जो बहुत ईजी होते हैं और आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसको नीडी पर्सन को ज़रूर शेयर करें।